तो उत्तराखंड में एक और बड़े खुलासे से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार की पत्नी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार और उनकी पत्नी की कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आरोप ये है कि साल 2017 से 2020 तक कंपनी में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि एफडी के रूप में जमा की गई और अलग अलग नामों से खुले इन खातों की पड़ताल की गई तो ये पता चला कि इनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो करीब 200 करोड़ रुपए का यह घोटाला माना जा रहा है और खानपुर से विधायक उमेश कुमार की तरफ से शिकायत की गई और अब इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं त्रिवेंद्र के पूर्व सलाहकार की पत्नी। लंबे अरसे से लुकी छुपी बात एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत की चर्चा का केंद्र बिंदु बन गई है और इस बार केंद्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते उनके सबसे प्रभावशाली सलाहकार केएस पवार जो थे वो हैं। और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने प्रभाव का अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी के नाम से एक कंपनी खुलवाकर 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा किया है। और ये भी उमेश जयकुमार ने अपने शिकायती पत्र में ईडी निदेशालय को पीएमओ को और मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में साफ साफ कहा है कि किस तरह से ऐसे भी खातेदार सामने आए हैं जो जीवित नहीं हैं, ऐसे भी खातेदार सामने आए हैं जो बालिग नहीं हैं और ऐसे भी खातेदार सामने आए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। और उमेश कुमार की चिट्ठी पर खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उनकी चिट्ठी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले की सीआईडी जांच बैठा दी है। उस समय भी ये मामला उठा था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला था लेकिन उस समय भी कोई जांच नहीं हुई थी। अभी तक सच ये है कि इस पूरे मामले की कोई मुकम्मल जांच नहीं हो पाई तो इसमें तथ्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है तो एक मुकम्मल जाँच के बाद ही ये सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ पर अगर ये जाँच आगे बढ़ती है सीआईडी बहुत आगे बढ़कर ये जांच करती है तो जब पुराने मुख्यमंत्री के सलाहकार शिकंजे में होंगे यदि ऐसे फैक्ट पाए जाते हैं तो फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उनको भी अपनी छवि बचाने के लिए एक प्रयास करना पड़ेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन निशान चौहान के साथ देहरादून से बीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। सोशल म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनी कुछ एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट आई है तो उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी एसटीएम की तरफ से, उसमें यह पाया गया कि इस पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि कुछ आने का बात आ रही थी उस पे विस्तृत जांच के लिए ईओडब्ल्यू को भेजा गया है शासन के द्वारा। और देखिए इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें तो आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रख सकते हैं पूर्व सीएम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी अब जो सियासत है वो तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी इस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और माना यह जा रहा है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत तो इन सवालों के जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर मिल रही है। आज दोपहर 12 बजे का समय है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे पूर्व सीएम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी जो बात है वो रख सकते हैं क्योंकि सियासत भी अब इस पर तेज हो गई है। और चलिए रवि फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पूर्व सीएम, क्या आधार रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या जो आरोप लग रहे हैं पूर्व सलाहकार को लेकर क्या उस पर भी बात रख सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर भी क्लियरिटी रख सकते हैं अपनी तरफ से? आशी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखिए जिस दौरान एक मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है कि 200 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो उस वक्त के सलाहकार थे उनके, तो ऐसे में उस विषय पर भी वो अपनी बात रखेंगे ऐसा माना जा रहा है और तमाम जो अन्य विषय होंगे वो भी होंगे। हालांकि उनसे भी ये पूछा जाएगा इन तमाम सवालों पर कि किस तरीके के आरोप हैं और उस पर उनका क्या कहना है, उनकी क्या टिप्पणी है। इसके अलावा अगर प्रदेश में बात की जाए तो इस वक्त जो है कांग्रेस भी पूरी तरीके से इस मसले को लेकर हमलावर है और लगातार जो अगर बात की जाए तो सीबीसीआईडी की जो विंग है आर्थिक अपराध शाखा वो इस पर अभी आगे जाँच कर रही है तो जिस तरीके के आरोप लगे हैं उसमें एक विस्तृत तौर पर जाँच होनी ज़रूरी है और तभी जाकर तमाम जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ सके। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो तमाम आरोप लगे हैं उनमें अभी फिलहाल जांच आगे की जा रही है और जब पूरी जांच हो जाएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम है उसको किया गया है।
तो ऐसे में आज जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है तो माना जा रहा है कि वो तमाम इस मुद्दे पर भी जो है अपनी राय रख सकते हैं और अपनी बात को प्रेस के साथ साझा कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस पूरे मसले पर जिस तरीके से उमेश कुमार जो खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने इस मसले को उठाया है, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जिसमें साफ तौर पर इन बातों का उजागर हुआ है कि जिस तरीके से RD हैं FD हैं तमाम ऐसे खाते खोले गए उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, कई लोग ऐसे हैं जिनके फर्जी आधार कार्ड या वोटर ID डाउनलोड करके उनके खाते खोले गए और एक तरीके से ब्लैक मनी को जो है अवॉइड करने की कोशिश की गई है। तो इन तमाम चीज़ों पर अब जो आर्थिक अपराध शाखा है CBCID की वो जांच कर रही है, उसमें देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल इस पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है त्रिवेंद्र सिंह रावत वो क्या कुछ कहेंगे ये खास देखने वाली बात होगी। जी आयुष बिल्कुल रवि, देखने वाली बात है क्या बात रखेंगे और जो आरोप लग रहे हैं उन पर क्या जवाब देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।